हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बिल्कुल सेफ हो गए। सो गाइस, आप पीछे देख रहे हो बुक्स पढ़ी हैं, अभी बताता हूँ क्यों पढ़ी हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पा रही होगी क्योंकि मेरी जीभ कट गई है तो बोलने में थोड़ा सा पेन वगैरह हो रहा है। बट मैंने कहा भाई बाइक्स की वीडियो हो सकता है 3-4 दिन डिले हो जाए तो एक व्लॉग बना लेता हूँ। अब ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली मेरा एग्जाम है। आज जो डेट है ना हमारी 3 सितंबर है, 4 सितंबर को एग्जाम है मेरा। तो मैंने कहा कि भाई 3 सितंबर 4 सितंबर को मिला के एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ। अगर व्लॉग अच्छा बना होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर अच्छा नहीं बनाऊंगा तो कोई बात नहीं, डिलीट कर दूंगा या रख लूंगा, बस ऐसे ही याद के चक्कर में। और किस चीज़ का एग्जाम है वो बताता हूँ मैं। मेरा है एग्जाम CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप सभी को पता ही है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली किया है BSc नर्सिंग, तो CHO का एग्जाम है तो भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई चल रही है। भाई ऑनेस्टली बताऊँ तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं हुई, यूट्यूब के चक्कर में 2 महीने से केवल मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, उसी में लगाऊँ तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई है। 1 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट की है और आपको बुक दिखाता हूँ। भाई एकदम खतरनाक मोटी सी बुक है मेरी, ये देखो भाई कॉपी। इस पे हम लोग, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत कि याद रहा करे, लिखने से थोड़ा सा कहते हैं ना कि जल्दी याद हो जाता है। भाई ये रही हमारी बुक, इसमें आप लोग देख लो एम्स वगैरह हर जगह के क्वेश्चन। अगर कोई नर्सिंग स्टूडेंट देख रहा है तो भाई वो चाहे तो ये कॉम्पिटेटिव बुक खरीद सकता है। देख लो बुक काफ़ी अच्छी है। भाई साइज देखो पहले आप बुक का, एकदम मोटा सा है। मेरी तो भाई देख के ही हालत खराब हो जाती है। तो जितना हो पा रहा है पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब भाई ये कह सकते हो पैशन है। मेरा मन था तो मैंने कहा कि भाई ये भी करते हैं साथ साथ में। अब बाहर लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कुछ। सबसे पहले तो भाई आप लोग मेरे घर के अंदर से, मतलब रूम के अंदर से व्यू देखो, कितना प्यारा सा व्यू है। आम के पेड़ लगे हुए हैं, सामने मंदिर है। अब आपको रूम के बाहर लेके चलता हूँ। भाई ये साइड मथी देखो, एकदम खतरनाक ऐसे ही सब फैला हुआ है। जैसे था मैंने कहा वैसे ही रखते हैं, बाकी बाहर चलते हैं। अब आगे हम लोग बाहर देखो भाई, उस दिन जो हम लोग बारिश में वीडियो शूट कर रहे थे ना, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा हेलमेट था ये पूरा गीला हो चुका है तो ये हमने सूखने को रख दिया है। ये दूसरा वाला एक हेलमेट है, हाफ हेलमेट है, और ये पैडिंग वगैरह है, तो ये सब कुछ मैंने सूखने को रख दी क्योंकि मैं कल सोचा हूँ ना ये वाला लेके जाऊँ, स्कूटी से ही जाऊँगा, बाइक से जाने का तो कोई मतलब नहीं है। बाकी एक बार फिर से आप लोग बाहर का व्यू देख लो। आई होप गाइस आपको बाहर का व्यू अच्छा लगा होगा क्योंकि भाई मुझे तो देखो व्यू अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के अगर आप बाहर पेड़ पौधे और मंदिर वगैरह देखते हो तो काफ़ी, मतलब एक कहते हैं ना रिलैक्स फील होता है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अब जल्दी से चलते हैं, पूरा ट्रिम व्रिम कर लेता हूँ। भाई एग्जाम है तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बन के जाना भी जरूरी है, और वैसे भी भाई मुझे स्लिम ट्रिम ही ज़्यादा पसंद है। मतलब दाढ़ी उड़ी कटा के रखो तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट कभी कभी मैं रख लेता हूँ। जैसे एक्चुअली अभी कहीं बाहर उतना जा नहीं रहा तो दाढ़ी वगैरह रखी है, वरना मोस्टली मैं ट्रिम करके ही रहता हूँ। और अभी चलता हूँ भाई, ट्रिम करता हूँ। बाकी जो व्लॉग है ना, बाकी मैं कल शूट करूँगा 4 तारीख को। मैंने कहा दोनों दिन का व्लॉग शूट कर लूँगा मिक्स करके, अगर अच्छा बन गया होगा तो मैं 5 को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, फिर यार एक और एग्जाम है, एम्स का एग्जाम है तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है। बट हाँ, बीच बीच में बाइक की वीडियोस आएंगी और भाई प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगता होगा, धीरे धीरे अभी फ़ोन भी चेंज कर देंगे, बिग बिलियन डे आ रहा है, वो भी मैं बताऊँगा आपको, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो थोड़ा सा फ़ोन और चेंज करेंगे, अच्छा फ़ोन आ जाएगा तो व्लॉगिंग और अच्छे से कर पाएंगे, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। सो गाइज, आज हमारा डे 2 है। स्वागत है आप सभी का। भाई एकदम क्लीन करके मैं रेडी हो चुका हूँ एग्जाम के लिए, और जो टाइम हो रहा है वो 7:10 है। एग्जाम हमारा 8:30 बजे से ही है, लेकिन जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो 8 बजे है। भाई अभी भी बोलने में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब काफ़ी दर्द हो रहा है, जीभ जहाँ पे कट गई थी मेरी। और मैंने सोचा स्कूटी से चलते हैं, उसमें आराम से हेलमेट वगैरह रख दूंगा। तो अब सीधे स्कूटी पे चलते हैं और व्लॉग वहाँ पे शुरू करते हैं। फाइनली गाइस रोड पे आ चुके हैं, पूरी रोड खाली है। एक चीज़ सही है कि सुबह सुबह एग्जाम हो रहा है तो उससे क्या होता है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। बाकी स्कूटी देख लो आप, ये फैसिनो है 2018 मॉडल, या नहीं सॉरी 19 मॉडल है। रोड देखो अभी भाई, ये हम लोग कह सकते हो लिंक रोड टाइप पे चल रहे हैं, जो हाईवे के जस्ट बगल में होती है। लिंक रोड क्या मतलब, सर्विस लेन पे चल रहे हैं। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है जो सेंटर है, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के आसपास है, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। हाँ, कह सकते हो बस भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे थोड़ा सा रोड पतली है तो कभी कभी ट्रैफिक लग जाता है। बट आज संडे है तो स्कूल वगैरह की छुट्टी होगी तो उतनी भीड़ तो नहीं लगेगी। बाकी जो कुछ अगर शूट करने वाला होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, वरना भाई ये थोड़ा सा रिस्की है। स्कूटी भी चला रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कहा भाई ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि लेफ्ट हैंड से शूट कर रहा हूँ तो ब्रेक है राइट हैंड में, ये फ़ायदा है। वैसे भी स्कूटी वगैरह मैं ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं, खुद ही डर लगता है भाई। ऑनेस्टली बताऊँ बाइक तेज़ चला सकता हूँ मैं, बट स्कूटी बिल्कुल भी तेज नहीं चला सकता। अब थोड़ा सा डर लग रहा है, एक्चुअली जो टाइम है 7:30 हो चुका है और जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ से अप्रॉक्स 7 किलोमीटर दूर है। बस भाई टाइम पे पहुँच जाऊँ। और सबसे खतरनाक चीज़ मैं पेन लेना ही भूल गया, क्योंकि भाई कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम था तो मैंने कहा भाई इसमें पेन की तो नीड होती नहीं है, बट हाँ साइन करने में जरूरत पड़ेगी। मांग सकते हैं किसी से, लेकिन यार मांगना अच्छा नहीं लगता, कोई जान पहचान का तो होता नहीं है। तो देखूँगा अगर टाइम पर पहुँच गया तो भाई कहीं से पेन वगैरह खरीद लूँगा, वो ज़्यादा सही है। लेकिन कितनी 7:30 बजे दुकान खुलना मुश्किल है, बट आई होप कि खुली हो। तो जल्दी से भाई पहुँचते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। लोग तो वैसे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग दिख रहे हैं, बट वहाँ पे 2-3 एग्ज़ाम सेंटर है। मेरा वाला कौन सा है वो मुझे नहीं पता। भाई रोड देख लो पतली से, अगर दिन के टाइम आओ ना तो यहाँ पे हमेशा आपको जाम ही मिलेगा। तो भाई टाइम हो चुका है 7:40 और हम लोग पहुँचने वाले हैं 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। पेन वगैरह भी ले लिए भाई, एक्चुअली बड़ी मुश्किल से पेन मिली। आंटी जी को 6 रुपये दिए मैंने, आंटी जी ने 1 रुपया वापस नहीं, उन्होंने कहा भाई मेलोडी ले लो। अब मैं किससे पूछूँ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब भाई जल्दी से, मुझे लग रहा है यही कॉलेज है, हाँ यही कॉलेज है भाई। बस अब यहाँ पर जगह मिल जाए पार्क करने की स्कूटी, क्योंकि भाई स्कूटी में थोड़ा हमारा पर्स फ़ोन वगैरह स्कूटी में ही रहेगा, तो अच्छी जगह चाहिए पार्क करने के लिए। सो फाइनली गाइस पेपर हमारा ख़त्म हो चुका है और पेपर बिल्कुल ही बेकार हुआ है। उम्मीद तो यार काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो यूट्यूब के चक्कर में तैयारी उतनी अच्छे से हो नहीं पाई और पेपर भी काफ़ी ज़्यादा टफ था यार। मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पेपर इतना ज़्यादा टफ होगा CHO का। अब देखते हैं क्या होता है, आई होप फॉर द बेस्ट, यही कह सकते हैं। पेपर ख़त्म हुआ 10:30 बजे, 11 बजे के बाद थोड़ा पता नहीं क्या उनका प्रोसेस था भाई, एग्जिट वेरिफिकेशन आधे घंटे से ज़्यादा उसमें लगा दिया। और उस टाइम में ना पानी पी सकते हो ना कुछ कर सकते हो, मैंने कहा अजीब है ना पानी की क्यों व्यवस्था। भाई खतरनाक जगह पे था पेपर भाई, बस दोबारा कभी वैसी जगह पे ना जाए, एटलीस्ट कम से कम पानी की तो व्यवस्था करो ना यार, अगर पीने नहीं जाने दे रहे हो तो। बट क्या ही बताएं, चलो धूप तो हो रखी है और धूप भी जितनी तेज, धूप उतनी तेज़ नहीं है, बट हाँ भूख बहुत तेज़ लगी है। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं रास्ते से ही कुछ खाने पीने के लिए ले लूँ, एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। बाकी जो ब्लॉग है इसको मैं सोच रहा हूँ घर पे जाके अच्छे से एंड करूँगा, रास्ते में क्या ही एंड करना। गैस घर आ चुका हूँ और घर पे बताया भाई पेपर कैसा हुआ है, तो सुनने को अच्छा खासा मिल भी चुका है, डोज मिल चुका है। बट ठीक है यार क्या कर सकते, पेपर इतना टफ नहीं बनाना चाहिए था, इसमें सब मेरी गलती नहीं है। PGI का मैंने पेपर दिया था भाई, ये उससे भी ज़्यादा टफ था। मतलब बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि CHO का पेपर इतना टफ आएगा। भाई कोई CHO वाला मतलब BSc नर्सिंग वाला इस वीडियो को देख रहा है तो भाई समझ जाओ अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। बाकी तो भाई देखो क्या ले लिया रास्ते में, और मैंने सोचा इसको टेस्ट करते हैं। पहली बार पी रहा हूँ मैं ये वाली थम्सअप, भाई क्या घटिया टेस्ट लगा मुझे। मतलब अपने मेंटोस वगैरह खाई होगी ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेंटोस पी रहे हैं। मुझे लगा था अच्छा होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, बट निहायती बकवास टेस्ट है। सो गाइस आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यूट्यूब के ही चक्कर में ना 2 महीने से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो कुछ क्रेडिट यूट्यूब को भी जाता है। सो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।